हेलो एवरीवन, हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ लिया है, सब कुछ मैक्सिमम चीज़ें। और हम ये जानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड को जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होती है, और जब रिवर्स बायस करते हैं तो उसमें करंट नहीं फ्लो होती है। करंट नहीं फ्लो होती है जब हम उसको रिवर्स बायस करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था इसको एज अ स्विच भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, देखी हैं। अब इसके बाद आज हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड को हम क्या किस एप्लीकेशंस में यूज किन एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। तो इसका पहला एप्लीकेशन है, इट मे बी यूज एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर तो रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर सिंपली एसी को, एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट, इट मींस डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है किसमें? डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट करंट में। तो वो प्रोसेसर या वो प्रोसेस जिसमें एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करते हैं डीसी करंट में, उसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन। और जो सर्किट ये परफॉर्म करता है उसको कहते हैं हम रेक्टिफायर। और हम यहाँ पर जो रेक्टिफायर पढ़ेंगे वो दो तरीके का रेक्टिफायर पढ़ेंगे। एक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और सेकंड वन फुल वेव रेक्टिफायर। ये दोनों रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे जिसमें हम रेक्टिफिकेशन करेंगे या रेक्टिफायर जिसमें हम रेक्टिफिकेशन करेंगे। रेक्टिफिकेशन मींस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायोड। किसकी मदद से? डायोड की मदद से। डायोड की हेल्प से हम रेक्टिफिकेशन प्रोसेस करेंगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। और इसमें हम दो तरीके के रेक्टिफिकेशन करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर को, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं जो एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, उसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई सिनुसॉइड अल्टरनेटिंग करंट है और मान लीजिए ये कोई एसी वोल्टेज है जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डीसी, डीसी में डायरेक्ट करंट, डीसी वोल्टेज में। तो हम क्या करते हैं कि इसको अभी एसी है, एसी मीन्स अल्टरनेटिंग है। तो एसी में क्या होता है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो बार बार पोलैरिटी चेंज करती है। यहाँ पर देखिए, ये अगर हम इसको जीरो मान लें और इधर हम इसको कंसीडर करें, ये मान लीजिए इस, ये वोल्टेज है अगर, तो ये मान लीजिए इधर इसका पीक वोल्टेज की वैल्यू है प्लस वी एम। और यहाँ पर देखिए, पहले ये जीरो से प्लस वी एम की ओर बढ़ रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटते हुए फिर जीरो आ रहा है, और उसके बाद माइनस वी एम। मतलब अगर ये मैक्सिमम मैं मान रहा हूँ, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और यहाँ प्लस वी एम से माइनस वी एम के बीच ये क्या कर रहा है? अल्टरनेट कर रहा है या ये वेरी कर रहा है। तो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक में टोटल। तो एक साइकिल को हम टोटल टू पाई में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जीरो से पाई के बीच में ये इसकी पॉजिटिव साइकिल बन रही है, इसको हम पॉजिटिव साइकिल बोलेंगे। दिस इज पॉजिटिव साइकिल, साइकिल का पॉजिटिव पार्ट है ये। और उसके बाद दूसरी जो साइकिल है, साइकिल मतलब एक साइकिल का आधा पार्ट ये है और आधा पार्ट ये है, और फिर यही साइकिल रिपीट हो रही है बार बार। तो यहाँ पर साइकिल का ये पॉजिटिव पार्ट है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला क्या है? इसका नेगेटिव पार्ट है। इसको कहते हैं पॉजिटिव साइकिल और इसको कहते हैं नेगेटिव साइकिल। हमें ये है एसी,
और इसको हमें कन्वर्ट करना है डीसी में। तो डायरेक्ट जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें, तो एसी में ये जो आपका वेव फॉर्म होती है या जो आपका वोल्टेज होता है ये एक थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिव साइकिल में होता है और थोड़े टाइम में नेगेटिव साइकिल में होता है। इट मींस ये अपनी पोलैरिटी चेंज करता है अल्टरनेट में, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, जबकि डायरेक्ट में करंट में डीसी वोल्टेज में ऐसा नहीं होता है। इसमें पोलैरिटी या तो एक ही साइड पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो अगर हम कुछ हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या करते हैं, ये जो पूरा वेव है, एक वेव अगर इसको पूरा वेव माने तो इसका सिर्फ हाफ वेव को हम कन्वर्ट करते हैं डीसी में। मतलब ये पूरा एसी का सिग्नल है, इसका आधा कितना हुआ, ये हुआ या फिर ये हुआ। तो मान लीजिए सिर्फ पॉजिटिव साइकिल की बात करें तो सिर्फ एक साइकिल का सिर्फ इतना पोर्शन हम कन्वर्ट करेंगे डीसी में और बाकी को नहीं, ठीक है। और फिर दूसरी साइकिल आ गई, ये वाली साइकिल, तो इसका फिर से पॉजिटिव वाला पोर्शन कन्वर्ट करेंगे और नेगेटिव वाला नहीं करेंगे, पॉजिटिव वाला पोर्शन कन्वर्ट करेंगे। फिर आगे इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये एक डीसी वोल्टेज है, डीसी मतलब यहाँ पर पोलैरिटी देखिए एक ही साइड है, पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड पोलैरिटी नहीं है, ओके। तो ये सिर्फ इस पूरे वेव के सिर्फ हाफ वेव को, एक साइकिल के सिर्फ हाफ वेव को ये रेक्टिफाई कर रहा है। रेक्टिफाई मीन्स एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इस तरीके के रेक्टिफायर को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अभी हाफ वेव रेक्टिफायर दो तरीके का हो सकता है, जब पॉजिटिव वाला साइकिल को रेक्टिफाई करेगा उसको कहते हैं पॉजिटिव वेव रेक्टिफायर, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है जो सिर्फ नेगेटिव साइकिल को ही रेक्टिफाई करे। इट मीन्स कुछ ऐसा, पॉजिटिव वाले को रेक्टिफाई नहीं करेगा, सिर्फ नेगेटिव, पॉजिटिव को नहीं सिर्फ नेगेटिव, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको कहते हैं नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये क्या है, ये पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हम सिर्फ एक ही पढ़ेंगे और दूसरा उसका उसी के जैसा ही होगा, उसका अपोजिट जस्ट होगा। तो यहाँ पर हमको आप लोगों को समझ में आया हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ हाफ वेव को कन्वर्ट करता है किस में, डीसी में। और यहाँ पर आप देखिए कि फॉर एग्जांपल इसको सिर्फ इसको कंसिडर करिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल वाले को जो कन्वर्ट कर रहा है, पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, यहाँ पर जो डीसी आपको मिल रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट ना होकर के वेरी कर रहा है, टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। इसलिए यहाँ पर इसको जो ये इस डीसी को, ये डीसी है बट डीसी प्योर फॉर्म में नहीं है, इस डीसी को हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी। क्यों? क्योंकि ये इसका जो एम्पलीट्यूड है ये कांस्टेंट ना होकर के वेरी कर रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है एम्पलीट्यूड, बढ़ रहा है एक तो मैक्सिमम हो रहा है फिर घट रहा है, हालांकि पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, डीसी है बट ये प्योर डीसी ना होकर ये पल्सेटिंग डीसी है, ओके। तो इस पल्सेटिंग डीसी को भी प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के तरीके हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। हालांकि अभी आप ये समझिए कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, और इस पल्सेटिंग डीसी को भी हम प्योर डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम आगे देखेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। तो आइए हम देखते हैं डायोड की मदद से ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हम कैसे करते हैं, उसका सर्किट देखते हैं। ये एक डायोड हमने यूज किया है और इस डायोड का यूज करके हमने एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट बनाया है, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डायोड यूज किया हुआ है, सिर्फ सिंगल डायोड की मदद से हमने हाफ वेव रेक्टिफायर प्राप्त किया है। ये हमने जो सप्लाई दी हुई है और ये सप्लाई हमने एक ट्रांसफार्मर से दी हुई है, ये एसी सप्लाई है, मान लीजिए 220 वोल्ट एसी सप्लाई है, और ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर से हम क्या करते हैं, ये हाई वोल्टेज सप्लाई को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को बढ़ाता है, 220 वोल्ट से और बढ़ाना हो तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया है जो कि इस वोल्टेज को कम करेगा ताकि उस कम वोल्टेज को हम अप्लाई कर सकें इस डायोड पर। तो यहाँ पर जो हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हमने उसको कंसीडर किया हुआ है Vi, जिसकी पीक वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल में प्लस Vm और नेगेटिव हाफ साइकिल में माइनस Vm, और हमने देखिए ये AC वोल्टेज बनाया हुआ है।
यहाँ पर हमने जो इनपुट अप्लाई किया हुआ है, इनपुट वोल्टेज दैट इज उसकी पीक वैल्यू है Vm, और ये अल्टरनेट कर रहा है सिनुसॉइडल, ये एक सिनुसॉइडल साइन वेव में है। तो इसको एक एसी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि वी आई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। अब ये इनपुट वोल्टेज यहाँ पर दो तरीके से काम करेगा। ये अगर ये वाली साइकिल देखेंगे, दिस साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ओके, और ये वाली क्या है, नेगेटिव साइकिल, अभी हमने देखा था। तो जब ये पॉजिटिव साइकिल होगा तो हमारा यहाँ पर ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ओके, और ये वाला नेगेटिव होगा। और जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पहले एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए ये पॉजिटिव साइकिल है, तो जब पॉजिटिव साइकिल, इनपुट की पॉजिटिव साइकिल हमें मिलती है, तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, जिसके कारण ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। फॉरवर्ड बायस होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये पी पी कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से और एन कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। और आप जानते हैं फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगी, जिसके कारण हमें यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है और यहाँ पर हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पर हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिलता है, तो जो हम सप्लाई देंगे वही पूरा का पूरा पास हो। अगर आइडियल केस होगा, मान लीजिए हम इसको आइडियल डायोड मानते हैं, आइडियल डायोड मानते हैं, तो जो पूरा हमने यहाँ पर सप्लाई दी होगी वो पूरे की पूरी सप्लाई आउटपुट पर हमें मिल जाएगी। इट मीन्स आउटपुट पर हमें वही चीज़ मिलेगा जो कि हमने इनपुट पर दिया हुआ है। तो इनपुट पर हमने ये दिया हुआ है, तो इस समय में हमने इसको अलग अलग समय में डिवाइड किया हुआ है, तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें आउटपुट पर वही साइकिल मिलेगी जो हमने इनपुट पर दिया हुआ है। इनपुट पर हमने ये दिया है वी आई, और हमें आउटपुट पर भी क्या मिल रहा है, सेम वही साइकिल मिल रही है। ये सेम ही है, मतलब अभी थोड़ा इसमें शेप चेंज लग रहा है, लेकिन ये सेम ही है, मतलब जो हमने यहाँ दी वही आउटपुट पर हमें मिल रहा है, ठीक है, अगर आइडियल होगा डायोड। तो अभी हम दूसरी बात करेंगे जब ये आइडियल ना होगा, लेकिन अभी मान लीजिए हम ये आइडियल केस है, तो आइडियल केस में जो हम देंगे इनपुट साइड पर वोल्टेज वो पूरा का पूरा अपीयर होगा लोड में, ठीक। और उसके बाद नेगेटिव साइकिल जब आएगी, तो नेगेटिव साइकिल मैंने क्या बताया, नेगेटिव साइकिल में बताया कि ये वाला टर्मिनल हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस ना होकर के, अब ये क्या है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस क्यों है, क्योंकि डायोड का पी वाला नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है और एन वाला सिरा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है सप्लाई के, तो ये रिवर्स बायस है। और आप जानते हैं रिवर्स बायस में कोई भी करंट यहाँ फ्लो नहीं होगी, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पर ज़ीरो वोल्टेज प्राप्त होगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा हर साइकिल के लिए। फिर पॉजिटिव साइकिल आई, फिर वही चीज़, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, तो फिर से वही चीज़ आपको मिलेगा, फिर ज़ीरो, फिर पॉजिटिव साइकिल के लिए फिर ज़ीरो। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, आपको एक हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट मिल गया है, ठीक है। तो ये आपको हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट है, और यहाँ पर इसको हम डीसी आउटपुट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पोलैरिटी आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो रही है बार बार, ठीक है। तो इस तरीके से ये सर्किट क्या करेगा, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब हम देखते हैं, मान लीजिए ये आइडियल केस हम इसको ना कंसीडर करते हुए, हम मानते हैं कि मान लीजिए ये एक प्रैक्टिकल डायोड है, तो प्रैक्टिकल डायोड का हमने इक्विवेलेंट सर्किट आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। प्रैक्टिकल डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, एक आपका वोल्टेज सोर्स होता है और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये इसको हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, ये क्या होता है, ये आपका बैरियर पोटेंशियल होता है वी बी, ओके, और ये क्या होता है, ये होता है आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, मान लीजिए एक कोई रेजिस्टेंस है आर एफ, ओके। अगर हम इस डायोड को इसके इक्विवेलेंट सर्किट प्रैक्टिकली हम बात करें, यहाँ रिप्रेजेंट करें, और यहाँ पर हमने सप्लाई क्या दी हुई, सप्लाई दी हुई है वी आई, और फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब ये पॉजिटिव साइकिल होगा, इट मीन्स ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव साइकिल में ही ये इसमें से करंट पास होगी, नेगेटिव साइकिल में करंट नहीं पास होगी। तो हम सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में या फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हम देखते हैं क्या होता है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यहाँ पर आप लगाइए केवीएल, लगाइए
केवीएल यहाँ लगाइए। तो केवीएल कैसे लगाते हैं, केवीएल सबसे पहले सोर्स देखिए कितने हैं, सोर्स हैं वी आई, एक है इनपुट आपका वोल्टेज, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में केवीएल लगाने पर वी आई माइनस वी बी इक्वल टू आई इंटू आर एफ प्लस आई इंटू आर एल। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी इक्वल टू, ये यहाँ से आई कॉमन ले लीजिए और इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा वी आई माइनस वी बी डिवाइडेड बाई आर एफ प्लस आर एल। ओके, तो यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल डायोड कंसीडर करेंगे हम तो ये वी आई माइनस वी बी डिवाइडेड बाई आर एफ प्लस आर एल आपको एक करेंट की वैल्यू मिली है, ये आई करेंट की वैल्यू, लेकिन करंट की वैल्यू ये करंट की वैल्यू आई, हम वोल्टेज क्या निकालते हैं, अगर आप आउटपुट वोल्टेज इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज निकालना हो तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा आई इंटू आर एल। तो यहाँ पर वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट इक्वल टू आई इंटू आर एल। आई क्या है, आई आपने निकाला है वी आई माइनस वी बी, वी बी क्या है आपका, वी बी ये है बैरियर पोटेंशियल। ओके, बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, 0.7 होता है किसमें, सिलिकॉन के केस में, और 0.3 होता है जर्मेनियम के केस में। वी आई माइनस वी बी अपॉन आर एफ प्लस आर एल इंटू आर एल। ओके, अब यहाँ पर हम एक केस कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका आर एफ, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है और आर एल की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम कंसीडर करते हैं कि कंसीडर क्या करना है, ये होता ही है कि आर एल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है आर एफ से, तो हम इस आर एफ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आर एफ को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये आर एफ की वैल्यू अगर जीरो कंसीडर करेंगे तो आर एल आर एल कट जाएगा। तो यहाँ आपका वी नॉट कितना आ जाएगा, वी नॉट मीन्स आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू वी आई माइनस वी बी। ठीक है, अभी हमने जो ये सर्किट बनाई है इसमें आप देखिए, ये जो सर्किट है, ये जो आउटपुट वोल्टेज मैंने कहा, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज मैंने बोला था आइडियल केस में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज माइनस वी बी, वी बी मीन्स बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल मतलब सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। ओके, तो अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट पर वोल्टेज मिलता है ये इनपुट वोल्टेज से थोड़ा कम होता है, इनपुट वोल्टेज से थोड़ा कम होता है, कितना कम होता है, वी बी के बराबर। लेकिन हम जनरली इसको क्या कंसीडर करते हैं, जनरली कंसीडर करते हैं वी बी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट करके वी बी को हम क्या मानते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज़ नियरली इक्वल टू वी आई, मतलब जो इनपुट वोल्टेज वही आउटपुट वोल्टेज। ओके, तो इसलिए हमने ये यहाँ पर थोड़ा सा बस केस कंसीडर किया हुआ, केस ये कंसीडर किया है कि हमने बैरियर पोटेंशियल को नेग्लेक्ट मान लिया है, ठीक है, नेग्लेक्ट करने पर तो इन जो आउटपुट वोल्टेज है इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, किस केस में, फॉरवर्ड केस में। तो फॉरवर्ड बायस केस में आपको देखिए आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है इनपुट वोल्टेज के बराबर है, आपका ये आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर है फॉरवर्ड केस में, और रिवर्स बायस केस में आपकी कोई करंट नहीं फ्लो होगी तो वो तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया यहाँ पर। तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए थोड़ा सा, ये यहाँ पर आप देखिए ये जो करंट आया है आपका, जो करंट फ्लो हो रही है सर्किट में उसकी वैल्यू कितनी है, I इज़ इक्वल टू वी आई माइनस वी बी, तो वी बी को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा वी आई अपॉन आर एफ प्लस आर एल। तो अगर आप आर एफ को भी नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है, आर एफ को आप नेग्लेक्ट कर दें, या अभी आप क्या करिए सिंपल सा वी आई की वैल्यू आप रख लीजिए, वी आई क्या है, वी आई इज इक्वल टू वी एम साइन ओवर की आपने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा वी आई इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर एफ प्लस आर एल। तो अगर हम इसको लिखना चाहें ऐसे, जैसे यहाँ पर देखिए वी आई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, मतलब वी एम क्या है, वी एम इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू जिसके अराउंड ये
मूव कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई इक्वल टू आई एम, इस पूरे टर्म को हम आई एम कंसिडर कर सकते हैं, आई एम साइन ओमेगा टी, जहां आई एम की वैल्यू क्या है, आई एम इज दिस वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल, या आर एफ को आप निकले करें तो इसको कह सकते हैं वी एम अपॉन आर एल, ठीक है। तो आई एम इज वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल, या फिर इसको हम वी एम अपॉन आर एल भी कह सकते हैं अगर हम आर एफ को नेग्लेक्ट करें आर एल कंपेरिजन में, और वी एम अपॉन आर एल। आई होप आप लोगों को समझ में आया हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसके कुछ कैलकुलेशंस हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।